जयपुर की तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा कहने पर गोविंद नगर से विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा कहने पर देशभक्तों को आपत्ति है। अखिलेश यादव को अपने बयान पर प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। कानपुर में तिरंगा यात्रा निकले और अखिलेश जी का ट्वीट आए कि ये दंगा यात्रा, दुर्भाग्य है आपकी। तो अखिलेश जी सोच ही ऐसी है, आपके आंखों में चश्मा ही दंगे वाला चढ़ा है, क्योंकि आपने अपने सरकार के कालखंड में हेलीकॉप्टर से आतंकवादियों को लाना, आतंकवादियों को सपोर्ट करने की एक संदेश देना, उपद्रवियों को संदेश देना कि आप उनके साथ हैं, दंगाइयों के साथ आप खड़े रहने वाले लोग जो सोच ही केवल ऐसी प्रदर्शित करते हैं कि जिसके कारण से दंगाइयों को भी बल मिले, उपद्रवियों को बल मिले, आतंकवादियों को बल मिले। मुझे लगता है कि आपने तिरंगे का भी अपमान किया है, आपने देश का भी अपमान किया है, आम नागरिकों की उन भावनाओं का भी अपमान किया है जिसके आधार पर लोग आज़ादी के दीवानों को, शहीदों को अपना नमन अर्पित कर रहे हैं, तिरंगा निकाल रहे हैं और घर घर ध्वज लगाने का, राष्ट्रीय ध्वज लगाने का एक महाअभियान आम जनता ने अपने हाथ पर ले रखा है। आपको शायद पता नहीं है कि मोदी जी का शासन और योगी जी का शासन लोगों को, सरकार को समर्पित करते हुए राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है, अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए काम करते हैं। जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा कह करके आपने आम जनमानस, जिसने इस राष्ट्रीय तिरंगे को अपने सर माथे पर लगाया है और अपने घर पर फहराने जा रहा है, प्रत्येक घर पर फहराने जा रहा है, आपने उन सबका अपमान किया। इसलिए अखिलेश यादव जी को उन सारे राष्ट्र भक्तों से, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।